दोस्तों अब तो ये छिपी बात नहीं रही कि राज कुंद्रा को मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अश्लील वीडियो क्रिएट कर और उसे पब्लिश करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। वो कई दिन से पुलिस कस्टडी में है और वहीं शिल्पा शेट्टी भी अपने पति राज कुंद्रा के बारे में कुछ खास बातें बताती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। हालांकि उन्होंने राज कुंद्रा को खिलाफत जताई है और उन्होंने कहा कि उन्होंने पूरे परिवार की इज्जत डुबो दी है, लेकिन राज कुंद्रा के इस मामले में शिल्पा शेट्टी भी पूरी तरह से खुलकर सामने नहीं आ रही हैं। लेकिन खुलकर सामने आ रहे हैं बॉलीवुड के कुछ बेहतरीन सितारे, कुछ नए तो कुछ पुराने, जैसे कि कंगना रनावत, मुकेश खन्ना, नमासी चक्रवर्ती भी इस मामले में आ चुके हैं। वहीं पूनम पांडे ने भी कई तरह के बयान इनके खिलाफ दिए हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि मुकेश खन्ना, कंगना रनावत और पूनम पांडे, साथ ही नमासी चक्रवर्ती ने इस मामले में क्या कहा। सबसे पहले अगर बात की जाए मुकेश खन्ना की, तो मुकेश खन्ना का अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल है जिसके बारे में आप सब में से बहुत से लोगों को पता भी होगा, और वो जो भी बात करते हैं बिल्कुल दिल खोल के करते हैं, हर बात बेबाक तरीके से करते हैं, और शायद इसी वजह से वो बॉलीवुड से दूर भी हैं। और बॉलीवुड में जिस तरीके के कारनामे हो रहे हैं उस पर मुकेश खन्ना आए दिन जमकर बातें करते रहते हैं। उन्होंने राज कुंद्रा के मामले में एक वीडियो अपलोड किया था अपने यूट्यूब चैनल पर, और उन्होंने उस वीडियो में जो खास बातें कही थी वो ये कही थी कि अब बॉलीवुड के सभी एक्टरों को सामने आना चाहिए। हम पति पत्नी के बारे में तो कुछ बात नहीं कह सकते हैं, लेकिन पोर्नोग्राफी का जो मामला चल रहा है ये आज से नहीं बल्कि बहुत दिनों से चल रहा है, और इसे रोकने के लिए हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए। दुख तो इस बात का है कि उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी भी इस मामले में खुल के नहीं आ रही हैं। साथ ही कंगना रनावत ने भी इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया रखी। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी में राज कुंद्रा की गिरफ्तारी से जुड़ी खबर शेयर की और उन्होंने लिखा, इसी वजह से मैं फिल्म इंडस्ट्री को गटर कहती हूँ। हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती है। मैं अपनी फिल्म टीकू वेट्स सेरू में बॉलीवुड के अंदर की छिपी हुई बातों से पर्दा उठाऊंगी। हमें कला से जुड़ी इंडस्ट्री में स्ट्रगल, वैल्यू सिस्टम और शक्ति की बहुत ज़रूरत है। तो वहीं नमासी चक्रवर्ती ने भी अपने इंस्टाग्राम स्टेटस पर कुछ ऐसी ही पोस्ट की थी और उन्होंने कहा था कि इस मामले में शिल्पा मैम को खुल के आना चाहिए। जिस तरह से पोर्नोग्राफी का ये मामला चल रहा है और राज खुल चुका है, इस तरीके से शिल्पा जी को सामने आना चाहिए। साथ ही अगर राज कुंद्रा यहाँ पे गलत है तो बॉलीवुड के हर एक सितारे को बोलना चाहिए। वहीं अगर बात करें पूनम पांडे की, तो पूनम पांडे ने भी एक वीडियो जारी कर इन पर बहुत ही तगड़ा कंज कसा था और बोला था कि सबसे पहले मैं ही वो लड़की थी जो राज कुंद्रा के खिलाफ सबसे पहले आगे बढ़ी थी, लेकिन अब जब सामने आ चुका है राज कुंद्रा का ये मैटर तो अब सबको बोलना चाहिए, ना कि छिप के रहना चाहिए। अगर राज कुंद्रा गलत हैं तो राज कुंद्रा को सज़ा मिलनी चाहिए।